माननीय नीतीश कुमार जी ने जो एक्ट किया है वो उन गरीबों को पिंच करेगा, और पिंच किया है, उनका सम्मान जाग चुका है, और निश्चित तौर पर और उनके अंदर एक उत्तेजना आएगी, और ये उत्तेजना एकता का प्रतीक होगा। कि जब जीतन राम मांझी को बना दिए हैं, उनको गाली दे के बेइज्जत किए हैं, तो आप दलित का जो थोड़ा सा जो प्रेम था, शैडो प्रेम जिसको हम कह रहे हैं, वो भी उतर चुका है। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। सदन में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जीतनराम मांझी के लिए जो व्यवहार किया गया है, इसको लेकर जीतनराम मांझी के बेटे और पूर्व मंत्री संतोष सुमन मांझी का भी गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल संतोष सुमन मांझी तो नीतीश कुमार के चरित्र के बारे में भी बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन मांझी, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, हम लोग तो ये बातों को शुरू से, हमारी पार्टी का यही मकसद है, यही हमारी विचारधारा है कि हम उन गरीब लोगों के पास जाके उनकी आवाज़ बनने का कोशिश करें, उनको जागरूक करने का कोशिश करें। और आप देखे होंगे कि यात्रा के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, और भी बहुत सारे माध्यम से हम लोग गरीबों को की आवाज़ बनते हैं, उनको आगे करने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो एक्ट किया है वो उन गरीबों को पिंच करेगा, और पिंच किया है, उनका सम्मान जाग चुका है, और निश्चित तौर पर और उनके अंदर एक उत्तेजना आएगी, और ये उत्तेजना एकता का प्रतीक होगा। तो इस मायने में नीतीश कुमार जी ने तो अपना चरित्र दिखा दिया है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके इस एक्ट से हम लोग और एक गति मिली है, और निश्चित तौर पर सब लोग जल्दी से, हम लोग पहले लोगों को इतना नहीं लग रहा था, लग रहा था नीतीश कुमार के प्रति लोगों को शैडो प्रेम था, लग रहा था नहीं नीतीश कुमार तो ठीक है, जीतन राम मांझी को बना दिए हैं, जरूर उनके अंदर दलित प्रेम होगा। लेकिन जब जीतन राम मांझी को बना दिए हैं, उनको गाली दे के बेइज्जत किए हैं, तो आप दलित का जो थोड़ा सा जो प्रेम था, शैडो प्रेम जिसको हम कह रहे हैं, वो भी उतर चुका है, अब साफ दिखने लगा है, अब नज़र आने लगा है कि दलित प्रेमी कौन है, दलित विरोधी कौन है। इसलिए हम लोग का जो शुरुआत है, हमने जो एक जंग छेड़ी है, उनको जागरूक करने की, उसमें और गति मिली है, तीव्रता मिलती है, और हम लोग आगे चलेंगे, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को 24 में 25 में उखाड़ देंगे। तो आपने सुना कि सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो जीतनराम मांझी को लेकर व्यवहार किया गया था, उसको लेकर संतोष सुमन मांझी क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ साफ सीएम नीतीश कुमार के चरित्र के बारे में कहा, और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमें अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दलितों में कुछ थोड़ा सा इज्जत था सीएम नीतीश कुमार के प्रति कि उन्होंने एक दलित वर्ग के लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे बेइज्जती की है, इससे यही साबित हो रहा है कि जो दलित हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके नज़र में कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार जो हैं, उनकी इज्जत घट गई है या उनकी इज्जत छोटी हो गई है। और वहीं संतोष सुमन मांझी कहते हुए नजर आए हैं कि अब हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। सीएम नीतीश कुमार ने गरीबों के मन में वो चिंगारी लगा दी है, और अब गरीब जो है वो उत्तेजित हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।